हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे द्विविध प्रश्नावली ऑफ चैप्टर नंबर 5। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन को 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो नहीं दिखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएगा, वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हम क्वेश्चन 12 से लेके आगे तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन हो जाए हम सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना। वीडियोस को जब भी आप देखते हैं तो उसको ऑनलाइन ही देखा करिए, डाउनलोड करके मत देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। y = 12 ब्रैकेट में 1 माइनस cot t एंड x इक्वल टू 10 ब्रैकेट में t माइनस sin t, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो यहां पे y बराबर दे रखा हमारे पास, y बराबर है 12 1 माइनस cos t एंड x बराबर है आपका 10 t माइनस sin t, t माइनस sin t। हमें dy अपॉन dx निकालना है। देखिए यहां पे पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहां पे देखेंगे तो x t का फंक्शन है, यहां पे सॉरी y t का फंक्शन है, यहां पे x t का फंक्शन है। तो सबसे पहले y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x का भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। अगर सिर्फ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy / dt is equal to d upon dt 12 1 minus cos t। देखिए 1 minus cos t, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 12 तो ऐसे रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 12 sin t। ये हो गया आपका dy / dt। अब यहां पे x का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन, देखिए अगर t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो dx upon dt is equal to d upon dt 10 t minus sin t, t minus sin t। अब देखिए यहां पे 10 तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नेवर, t t का डिफरेंशिएशन है 1 एंड sin का डिफरेंशिएशन है आपका cos t, तो 1 minus cos t। अब हमें निकालना dy upon dx, dy upon dx बराबर हो जाएगा dy upon dt divided by dx upon dt। देखिए dy upon dt 12 sin t divided by 10 1 minus cos t, क्या जाएगा 1 minus cos t। देखिए यहां पे 2 से कट जाएगा, 6 दुना 12 5 दुना 10, तो 6 बटे 5 गुणा। अब यहां पे sin t की जगह हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin t by 2 into cos t by 2 divided by 1 minus cos t की जगह हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin square t by 2, 2 sin square t by 2। तो यहां पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, sin से 1 sin कैंसिल, तो cos by sin बचेगा और cos by sin आपका क्या होता है cot, तो इसको लिखेंगे 6 बटे 5 cot t by 2, ये इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बिना टाइम गवाए बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसलिए टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है y is equal to sin inverse x plus sin inverse root of 1 minus x square, तो आपका dy upon dx निकालना है। देखिए y बराबर है आपका sin inverse x plus sin inverse root of 1 minus x square, 1 minus x square। देखिए सिंपल से अगर हम सॉल्यूशन करते हैं ना इसका, डिफरेंशिएशन तो सिंपली हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना, देखिए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, अगर हम लॉजिकली सोचते हैं जीरो हो जाएगा, आपको बिना मेहनत कोई मेहनत नहीं करना है इसमें, देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x। कैसे? देखिए इस वाले फंक्शन में x is equal to cos थीटा रख देते हैं, तो थीटा is equal to क्या जाएगा आपका cos इनवर्स x, तो यहां पे अगर थीटा रखेंगे आप तो ये जाएगा sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहां पे sin इनवर्स sin थीटा एंड sin से sin कैंसिल, दैट इज इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं तो y बराबर हो जाएगा आपका sin इनवर्स x प्लस इसका, इसकी जगह मैं लिखूंगा sin इनवर्स सॉरी cos इनवर्स x, इसको लिखूंगा cos इनवर्स x। ठीक है, अच्छा हमें पता है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2, यहां पे लिखूंगा पाई बाय 2, और इसका x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, क्या जो x के सापेक्ष अवकलन, अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy / dx बराबर 0, क्योंकि पाई बाय 2, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 जगह, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है आपका 0 होता है। तो बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, आप वैसे अगर इनका इसका और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपका 0 ही आएगा, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जो सिंपल मेथड लगता है मैं आपको वो सिंपल मेथड बताता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है 14 नंबर, यह है x रूट ऑफ 1 प्लस y एंड प्लस y रूट ऑफ 1 प्लस x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो हमें यहां पे प्रूव करना है कि बताइए दर्शाइए कि dy / dx इज इक्वल टू माइनस 1 / 1 प्लस x का स्क्वायर तो देखिए सिंपल सी यहां पे हम एक टेक्निक यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक टेक्निक यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में टेक्निक है, वो टेक्निक अगर आपको याद रहे तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन प्रूफ ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को इजीली बहुत अच्छे तरीके से देखना, ठीक, क्या टेक्निक यूज करता हूं मैं, x रूट ऑफ 1 प्लस y इसको उठा के इधर फेंक दो तो माइनस रूट ऑफ 1 प्लस x, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग, आप करो सर इसमें क्या टेक्निक है, देखो ना क्या होता है टेक्निक, क्या होता है दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो यह x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू y स्क्वायर, इसमें भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस x, ठीक हो गया, x का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, अब इसको उठा के ले आना तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, क्लियर है, देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे x प्लस y, या हम एक लाइन और लिख लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को साथ में ले लिया और प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x बराबर कितना 0, देखिए इसमें x प्लस y और x माइनस y हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें से x y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहां पे x और यहां पे बचेगा y इज इक्वल टू 0, यहां बचेगा x यहां बचेगा y इक्वल टू 0, देखिए x माइनस y दोनों में से कॉमन है तो x माइनस y कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा x प्लस y प्लस xy इज इक्वल टू 0, अब देखिए इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0 होगा, लेकिन वर्ड x माइनस y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x माइनस y कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर 0 बराबर हो गया तो x बराबर y होगा और x बराबर y कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये टेक्निक है इसमें कि x और y कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे x y का फंक्शन, सॉरी y जो है वो x का फंक्शन है और दोनों आपस में अगर बराबर हो गए 0 हो गए तो फंक्शन का यहां पे कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हम इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहां पे x - y नॉट इक्वल टू होगा 0 होगा तो हमारे पास बचेगा तो x + y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ठीक है, अगर इसके बराबर 0 है x पर फेंक देना और यहां से y को मिला देना तो 1 प्लस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x तो y बराबर जो माइनस x बाय 1 प्लस x। अब इस फंक्शन का हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d / dx y
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स। अब देखिए करना क्या है, सिंपली डिवाइड में है फंक्शन, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड रूल यूज करेंगे। डिवाइड रूल में नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन और माइनस माइनस का एक्स ऊपर वाले फंक्शन एज इट इज, या ये माइनस को ना हम ये काम करते हैं इसको ब्रैकेट के बाहर ही ले लेते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है माइनस, तो इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं और एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता ही है, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले फंक्शन ऐसे नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक हो गया। नाउ माइनस, अब देखिए 1 प्लस एक्स, अच्छा एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, छोड़ देते हैं, माइनस देखिए एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 तो ये माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन में। तो टेक्निक आपको बस इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है कि x है नॉट इक्वल टू y, क्योंकि x y के इक्वल हो जाएगा, तो y का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना जाएगा 1, और हमें प्रूफ करना है कितना, माइनस का 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, तो याद रखने के लिए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा, अदरवाइज आप इसको भूल जाएंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यही डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे, और वही डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर कभी भी निकल के नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तीन क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, आप देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, क्या है, स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। देखिए ये भी से इंडिपेंडेंट है, बस आपको इतना प्रूफ करना है कि ये भी से इंडिपेंडेंट है। देखो यहां पे आपका क्वेश्चन दे रखा है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर, हमें ये दिखाना है कि 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y अपॉन d स्क्वायर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, ये जो है a और b से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है। देखते करना है कैसे क्वेश्चन को, सिंपल मेथड है, सबसे पहले इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये d अपॉन dx x माइनस a का स्क्वायर प्लस d अपॉन dx बाय माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx c का स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन यहां से आ जाएगा आपका 2 आगे और x माइनस a, ठीक, और x माइनस a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे तो y माइनस b और y माइनस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx is equal to 0, इसको इधर भेज देना तो आएगा dy upon dx is equal to जाएगा minus 2 x minus a divide by 2 by minus b, इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे x के सापेक्ष अगेन, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे,
देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी वाई माइनस बी। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो फंक्शन डिवाइड में, तो डिवाइड यूज करेंगे तो वाई माइनस बी, सॉरी एक मिनट, माइनस बी यहां पे, तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर देना ए माइनस एक्स। ठीक है, तो वाई माइनस बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए माइनस एक्स क्लियर माइनस ए माइनस एक्स एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ y माइनस बी और y माइनस बी का यहां पे क्या जाएगा डिवाइड में स्क्वायर हो जाएगा, तो वन अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर, इसको बाहर ही ले लेते हैं। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और यहां पे देखिए a माइनस एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का वन है, इसको मिटाता हूं मैं अभी। देखिए तो आएगा वन अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का वन, तो माइनस वाई माइनस बी माइनस ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स इनटू ये जो डिवाइड अपॉन डी एक्स, यहाँ से आपका जाएगा क्योंकि बी का जगह जीरो और वाई का डिफरेंशिएशन है डिवाइड अपॉन डी एक्स, और डिवाइड अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रख देंगे इस वाले इक्वेशन से उठा के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसका, तो येगा वन अपॉन वाई माइनस b का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, इसमें माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले तो y माइनस b, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले तो माइनस आ जाएगा x माइनस a, x माइनस a डिवाइड बाय dx का वैल्यू निकलेगा यहां से माइनस का x माइनस a डिवाइड बाय y माइनस b। ठीक हो गया, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, एंड वाई माइनस बी का मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस वन अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, और जब वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वाई माइनस बी। अब यहां पे देखना समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक से हम क्या कर सकते हैं, वाई प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या सी स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या ले सकता हूं सी स्क्वायर, तो जगह माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस बी का क्यू, वाई माइनस बी का क्यू। क्लियर है, इतना समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है प्रूफ करना है किसको, टर्म्स देखा वन प्लस डिवाइड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाय डी टू बाई अपॉन डी एक्स, उसको दिखाना कि ए और बी से इंडिपेंडेंट है, तो वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा वन प्लस डिवाइड बाय डी एक्स का वैल्यू एक्स माइनस ए माइनस का डिवाइड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू एंड डिवाइडेड बाय माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस बी का क्यू। क्लियर, क्लियर कट, नाउ इसका स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस बी का स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, की पावर थ्री बाय टू डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस बी का क्यू। देखिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू एंड डिवाइडेड बाय योर टर्म्स आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी का क्यू। ठीक हो गया, नाउ अब यहां पे इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, आप देखेंगे इक्वेशन में मतलब जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम क्या लिख सकते हैं x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, इसके लिए हम c स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं c स्क्वायर बाय y माइनस बी का स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय c क्यूब और y माइनस बी का क्यूब, ठीक माइनस में है सॉरी ये आपका स्क्वायर है, नीचे सिंपल है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पावर थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो सी क्यूब
टू से टू कैंसिल हो जाएगा, y माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर बाय माइनस डी का क्यूब, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सी क्यूब माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड करेंगे माइनस का सी, तो आंसर क्या आएगा माइनस का सी। अब यहां पे हम ये दिखा सकते हैं कि माइनस का सी आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, यहां पे आंसर में ना तो ए है ना तो बी है, तो हम लिख सकते हैं अतः अतः यह है ए कॉमा बी से क्या है स्वतंत्र है। हमें ये बस ए प्रूव करना था कि ये जो है इसका जो मान है वो ए और बी से क्या है स्वतंत्र है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक हो गया, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि cos y is equal to x cos a plus y एंड के लिए cos a not equal to plus minus 1, तो सिद्ध कीजिए dy upon dx equal to cos square a plus y एंड ब्रैकेट में सॉरी डिवाइड में sin। देखिए सिंपल बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए अपने बुक में x cos a plus y। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है dy upon dx बराबर cos square a plus y एंड डिवाइड बाय साइन ए। देखिए करना कैसे इसको, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन dx cos y इज इक्वल टू d अपॉन dx x cos a plus y, cos a plus y। ठीक हो गया, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y और ये dy upon dx बराबर, यहां पे दो फंक्शन है x ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos a plus y। ठीक हो गया, अच्छा प्लस x सॉरी cos a plus y as it is एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्या जगह x के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हो गया, तो माइनस साइन y dy upon dx as it is होगा, इसको ऐसे रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां पे cos a plus y, cos a plus y का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस, तो माइनस का x sin a plus y। ठीक हो गया, और फिर a plus y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy upon dx plus cos a plus y into x हो जाएगा 1। अच्छा इस वाले पद को उठा के इधर भेज देते हैं, तो ये इधर आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x x यहां पे जो sin a plus y और ये dy upon dx minus sin y dy upon dx बराबर क्या जाएगा cos a plus y। अब इसको ऑब्जर्व करना, इसको ऑब्जर्व करो, ये x से इंडिपेंडेंट है, क्या है x से इंडिपेंडेंट, मतलब इसकी इक्वेशन में x है ही नहीं, तो इस वाली इक्वेशन में यहां पे जो x आ रहा है इस x को क्या करना है एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इस वाली इक्वेशन से x का मान निकाल लेंगे, तो यहां से x हो जाएगा cos y डिवाइडेड बाय cos a plus 1, इसका मान उठा के यहां पे रख देना, और इसमें से dy upon dx कॉमन आ रहा है, तो dy upon dx इसमें से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, x का मान लेते हैं यहां से cos y डिवाइडेड बाय cos a plus y into sin a plus y माइनस का sin y, माइनस का sin y बराबर cos a plus y, cos a plus y। अब यहां पे देखना इसके डिवाइड भी बन ले लेंगे, और cos a plus y का मल्टीप्लाई जाएगा, और cos a y डिवाइड में जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा dy upon dx देखिए cos y और sin a plus y माइनस यहां जाएगा cos a plus y और into sin y एंड डिवाइडेड बाय
ये cos a plus y is equal to cos a plus y, ठीक है, इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा टर्म्स ये, तो ये dy upon dx, और यहां पे देखना ये फॉर्मूला बनना है cos a cos b minus, सॉरी रिपीट अगेन, sin a cos b minus cos a sin, तो sin a minus b का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये sin a plus y minus y का फॉर्मूला हो जाएगा, और इधर आके हो जाएगा ये हो जाएगा cos square a plus 1, इसका तो मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो cos square में आ जाएगा, यहां पे y से y कैंसिल हो जाएगा और dy upon dx आपका बचेगा, dy upon dx बराबर cos square a plus y divided by sin, ये ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना, तो नीचे लिख देंगे इतनी सिद्धांत, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को एक या दो बार आप प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी सकते हैं, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को एक या दो बार आप प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। या एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को जो आपसे वीक है जिनको नहीं आता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो उनको आप सिखाना, उनको आप बताना कि किस तरीके से क्वेश्चन करा, तब जब उनको आप पढ़ाएंगे तो वो जो चीज आप पढ़ाते हैं ना वो चीज आपके माइंड में पूरी तरीके से कंप्लीटली बैठ जाता है, वो कंप्लीटली आपको मेमोराइज हो जाता है। तो अगर आप वो मेमोराइज है तो उसको दोबारा से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उसको समझाया था, जैसे समझाया तो समझाने से चीजें माइंड में बहुत जल्दी स्टोर होता है, ठीक है। यही टेक्निक जो है मैंने भी यूज किया था जब मैं क्लास 12th में था, मैंने कभी भी क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस नहीं किया है, हमेशा क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछता था, हर एक क्वेश्चन को मैंने 3 या 4 बार प्रैक्टिस किया था। कैसे? क्योंकि वही एक क्वेश्चन को मैंने 4 या 5 स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से मैंने बताया था, ठीक है, जिससे क्या होगा एक ही क्वेश्चन करने के मेरे पास अलग अलग टेक्निक्स थे, अलग अलग तरीके थे, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए क्या हो गया, बहुत ही गहराई से मेरे दिमाग में वो बैठ गया। तो इसी के बेस पे मैंने मैथ में 97 स्कोर किया था 2011 में, ठीक है। ये टेक्निक आप भी यूज करिए, बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बहुत ही अच्छा पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, दूसरी चीज आपके रेपुटेशन भी बनेगी स्कूल में या क्लास में, ठीक है। तो इस टेक्निक को यूज करना, और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए पावरफुल और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।